भागलपुर के नवगछिया में जदयू के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह विधान परिषद सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने नवगछिया में कहा कि सिर्फ सरकार के चाहने से शराबबंदी संभव नहीं है, पूर्ण शराबबंदी के लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस शराब पीने वाले लोगों और इसके अवैध व्यवसाय से जुड़े लोगों पर बखूबी कार्रवाई कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी व्यक्त की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जबरदस्ती करने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, इसके लिए लोगों को बताना होगा, समझाना होगा, पूरे देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। बिहार में यह प्रयोग सफल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत। जदयू के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह विधान परिषद सदस्य उपेंद्र कुशवाहा प्रदेश भर में जिलावार दौरा और प्रवास कार्यक्रम के तहत रविवार को देर शाम नवगछिया पहुंचे। पार्टी के मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि खगड़िया भागलपुर सीमा पर छत्तीस नगर में जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत उपेंद्र कुशवाहा ने राशि प्रवास के दौरान मारवाड़ी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। आज सुबह 9:30 बजे उपेंद्र कुशवाहा मारवाड़ी धर्मशाला नवगछिया में प्रेस वार्ता करेंगे। मौके पर गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता, प्रदेश महासचिव रामपुकार सिन्हा, प्रदेश महासचिव अंगद कुशवाहा, प्रदेश सचिव हिमांशु पटेल, प्रदेश सचिव धीरज कुमार, प्रदेश सचिव मदन चौधरी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद निषाद, प्रदेश सचिव संजय मेहता, प्रशांत पंकज, सुभाष चंद्रवंशी, रणधीर सिंह, खुर्शीद आलम, गोविंद कुशवाहा, अमरेंद्र केवट, कौशल सिंह, पप्पू सिंह और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बन गए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी आप भी रेस में चल रहे थे सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मत से बने, सब लोगों से परामर्श करके नेशनल स्पीकर ने फैसला लिया। हम सब लोगों के नेता नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में यह फैसला हुआ है, सर्वसम्मत फैसला है और बहुत ही उचित फैसला है। ललन सिंह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि काफ़ी अनुभव वाले हैं, संसदीय जीवन का भी अनुभव है, हर तरह से पार्टी के संगठन में पहले बिहार में अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है, उनका जो अनुभव है उससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। इस दृष्टि से उनका सिलेक्शन बहुत ही उचित सिलेक्शन। सर, विपक्ष वाली बोल रही है इस तरह उपेंद्र कुशवाहा को उपेक्षा किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाकर। विपक्ष के लोग अपनी चिंता करें ना, इसमें उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा हुई नहीं हुई, उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी समझ रही ना हमारी, कहीं कोई उपेक्षा का मामला नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर जिसमें मंत्री जी का निर्देश और उसके आधार पर सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया, ललन सिंह जी अध्यक्ष बने, इसमें किसी की उपेक्षा का कहा कोई सवाल नहीं रहा है। सर, एक सम्राट चौधरी मंत्री हैं, वो अभी बोल रहे हैं तो हम लोग 74 लाए हैं, मुश्किल में गठबंधन की सरकार चल रही है, कभी भी जा सकती है सरकार। आज औरंगाबाद में प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही थी, उसी में ये वो बोले, इसमें क्या करना? इस बयान को हमने देखा नहीं, उन्होंने कहा हमने बयान नहीं देखा। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहेंगे सर? जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है देश में। जी जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और देश में कई राज्य के हाई कोर्ट ने भी कहा है सरकारों से, अलग अलग सरकार से, कि आप जो योजना बनाते हैं समाज के सभी वर्ग के लिए, आपको पता ही नहीं है कि कितनी आबादी अभी है, किसकी किसकी, तो जब तक आबादी की जानकारी नहीं होगी तो योजना आप किस आधार पर बना रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जातीय जनगणना जब होगी तो सबकी आबादी के बारे में पता होगा, ये बहुत ही जरूरी है। सर, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी ला रही है, बिहार में इस तरह का कानून लाना चाहिए? देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक जरूरी है, जनसंख्या वृद्धि बेतहाशा हो रही है, इस पर रोक जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकता। किसी को जबरन कहिएगा जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए तो यह काम हो ही नहीं सकता। इसमें लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, लोगों के बीच जागरूकता लानी पड़ेगी, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो नुकसान हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है, इससे लोगों को अवगत कराना पड़ेगा, और विशेष करके महिलाओं का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसका, और महिलाओं को जितना प्रशिक्षित कीजिएगा, शिक्षित कीजिएगा, उतना इसका असर पॉजिटिव है।
लगातार बिहार में शराबबंदी चल रही है, लेकिन बिहार के हर एक जिले हर एक गांव में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इस तरह की बात चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम भी यह नहीं कर रहे हैं 100% इस काम में सफल हम हो गए, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन हाँ जो कोशिश हुई है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शराब बंद करने की, उसमें बहुत सफलता मिली है। और पहले हम लोग सड़क पर निकलते थे तो गाँव में महिलाएं और वहाँ छोटी छोटी बस्ती है, वहाँ आपस में जूझते रहते थे, शाम के वक्त में आप पार वहाँ से जा नहीं सकते थे, महिलाएं परेशान रहती थी, बारात में आप ठीक से बैठ नहीं सकते थे, जिस तरह से शराब पीकर नौजवान लोग करते थे, आज यह सब बंद हो गया है। और बंद हुआ है तो शराबबंदी के चलते, लेकिन शराबबंदी जो होम डिलीवरी हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि 100% हम हो गए सफल, हम दावा कहाँ कर रहे हैं, लेकिन 100% सफल होने के लिए सिर्फ सरकार के चाहने से नहीं होगा, सरकार अपनी भूमिका कर रही है, आम लोगों को भी इसमें सजग होना पड़ेगा, आम लोगों को असलियत से वाकिफ होना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। नौगछिया को बड़ा मुद्दा है, नौगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा देने का, नीतीश जी कल बात करेंगे, बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसका, और महिलाओं को जितना प्रशिक्षित कीजिएगा, शिक्षित कीजिएगा, उतना इसका असर पॉजिटिव है। सर, लगातार बिहार में शराबबंदी चल रही है, लेकिन बिहार के हर एक जिले हर एक गांव में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इस तरह की बात चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम भी यह नहीं कर रहे हैं 100% इस काम में सफल हम हो गए, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन हाँ जो कोशिश हुई है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शराब बंद करने की, उसमें बहुत सफलता मिली है। और पहले हम लोग सड़क पर निकलते थे तो गाँव में महिलाएं और वहाँ छोटी छोटी बस्ती है, वहाँ आपस में जूझते रहते थे, शाम के वक्त में आप पार वहाँ से जा नहीं सकते थे, महिलाएं परेशान रहती थी, बारात में आप ठीक से बैठ नहीं सकते थे, जिस तरह से शराब पीकर नौजवान लोग करते थे, आज यह सब बंद हो गया है। और बंद हुआ है तो शराबबंदी के चलते, लेकिन शराबबंदी जो होम डिलीवरी हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि 100% हम हो गए सफल, हम दावा कहाँ कर रहे हैं, लेकिन 100% सफल होने के लिए सिर्फ सरकार के चाहने से नहीं होगा, सरकार अपनी भूमिका कर रही है, आम लोगों को भी इसमें सजग होना पड़ेगा, आम लोगों को असलियत से वाकिफ होना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। नौगछिया को बड़ा मुद्दा है, नौगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा देने का, नीतीश। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। Thank you.